कल क्या पढ़े थे बताओ, कल लास्ट पॉइंट क्या पढ़ाया था बोलो, लास्ट क्वेश्चन क्या था कल का? अच्छा, वर्गमूल वाला, स्क्वायर रूट वाला। चलो अब लिखेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई इकाई अंक। ठीक है, अब इसमें समझना है, पहले बेसिक समझ लो, बेसिक में कहां कहां से क्वेश्चन आता है। तो किसी भी संख्या का लास्ट में या तो जीरो होगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, यही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है जी, इसमें समझना है कि जीरो से लेकर कहां तक रहेगा भाई, नौ तक होगा, ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। अब यहां पर पॉइंट सबसे पहले समझना है कि जब जीरो एक पांच और छ हो इकाई के अंक के रूप में, आपको इकाई का अंक का मतलब ये बोलते हैं कि जैसे मैं बोलूं टू थ्री सेवन वन फाइव के पावर कुछ भी बोल दूं, सेवन एट नाइन, तो इकाई इसको बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, ऐसे बोलते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो इससे हमें केवल मतलब होता है, इधर से मतलब नहीं होता, ये बात को समझने। एक क्वेश्चन आ जाता है तो इकाई केवल इसको बोलते हैं, हमें मतलब इससे बाकी से मतलब ही नहीं। तो इकाई का मतलब ये लास्ट वाला, आप इधर से बोलोगे तो ये लास्ट वाला को क्या बोलेंगे, इकाई वाला, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, इधर से बोलेंगे तो फर्स्ट वाला, तो यही इकाई का मतलब ये होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्या का लास्ट में जीरो एक पांच और छ हो तो जो इकाई का अंक होगा वो सेम होगा, वो क्या हो जाएगा भाई, सेम होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जीरो के लिए जीरो, वन के लिए वन, फाइव के लिए फाइव और सिक्स के लिए सिक्स, सिंपल बात है। कहोगे इसका मतलब, तो देखो क्या होता है, एक चेक करके दिखा देता हूं कोई भी, जैसे मान के चलो कि आपने बोला छ, तो छ के पावर एक कितना होता है और छ के पावर दो कितना होता है, छ के पावर तीन कितना होता है, नमस्ते, 216, तो ये सब में क्या आएगा, छ आएगा, इसलिए आगे भी जाएंगे तो कितना आएगा, छ आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो सब जगह आएगा छ, तो इसलिए इसमें इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। तो आपको समझना है कि जहां पर लास्ट में जीरो एक पांच और छ हो, इस बात को ध्यान रखें भाई, जीरो एक पांच और छ हो, इसमें इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि यहां पर ये पांच है और पावर में कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या होगा, पांच ही होगा, बस इतना, ये बेसिक बात है, समझा रहे हैं, हमें इसका थोड़ा सा लेवल वाला पढ़ना है, बस ये बेसिक समझना है कि जहां पर जीरो एक पांच, मतलब मेरा कहना है कि जैसे ये दस लिख दिए और दस के पर कुछ भी लिख दिए तो लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा, ये इकाई का अंक कहते हैं। जैसे यहां पर ग्यारह लिख दो और ग्यारह के पर कुछ भी लिख दो, मतलब तीन लिख दो, तो यहां लास्ट में क्या आएगा, यही, बस इसका मतलब हम लोग इकाई पढ़ रहे हैं, दहाई नहीं पढ़ रहे, इकाई पढ़ रहे। और जैसे यहां पर मान के चलो मैं पंद्रह लिख दिया और इसके पर कुछ भी लिख दो तो इकाई का अंक क्या आएगा, पांच आएगा। और उसी तरीके से 16 लिख दिया, ठीक है जी, और 16 के पर कुछ भी लिख दो, मैंने यहां पर तीन लिख दो या कुछ भी लिख, इकाई का अंक क्या आएगा, बस यही मेरे को बताना आपको कैसे। तो देखो 16 गुने 16 गुने 16 करोगे, बोलो पावर तीन का मतलब तो यही होता है, तो इकाई खाली हमें पढ़ना है ना, तो छ छह का तो उसमें छह मिला, अब फिर छ छह का तो क्या मिला, यही बात समझना। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो एक पांच और छह हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान, सेम होगा। ठीक है जी, तो जिनको नहीं आता है पहला पॉइंट पहले लिख लो, ये बेसिक है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए ये भी हार्ड होता है, और हमें यहां से एक नंबर अभी उठा लेना, जस्ट इसी के लिए पढ़ रहे हैं, पेपर में जब आए तो गलती नहीं होनी चाहिए, और इकाई के क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है जी, हाँ अगर कोई भी क्वेश्चन छूटे तो मैं रोज कहता हूं ग्रुप में डाल देना ना, मैं देख लूंगा। कैसे परेशान है भाई, क्या हो गया, परेशान नहीं है, खुश होते आता है, सही लड़का। पूरा टाइम देंगे, चलो सही।
आज वो साफ कराना है हॉल पीछे वाला। ना मिले तुझे, तुझे सोच रहा है। मैं जानता हूं तू सोच क्या रहा होगा। ये 3000 रुपया क्या है? अंगूठी क्या करेगा? ले 3000 क्या तू रामनगर का दे दो। तू सोच रहा है ओरिजिनल थोड़े है? हो गया भाई क्लियर? तो ये बात आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? लालच है मेरे संपत्ति पर, बड़ी खतरनाक आदमी है। इसको देना मुझे 270 रुपया है ना, कितना देना है? 270। देख कह दिया रिकॉर्ड हो गया, देना नहीं है लेना है। तो ये सोच रहा है कि हम अंगूठी ले ले। चलिए हाँ कल देखो भाई, तो बताए थे जिस संख्या का लास्ट में 0, 1, 5 और उसमें इकाई के अंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला क्लियर हो गया, ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि कुछ भी लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके पावर कुछ भी, यानी एन लिख देता हूं, एन के जगह कुछ भी हो सकता है। तो इसका इकाई का अंग क्या होगा? मेरी बात को अगर समझ गए हो तो बताओ। अगर मैं बोलू 2, 3, 5, 5, इससे मतलब नहीं है, हमें लास्ट से मतलब है। 5 हो गया, इसके पावर कुछ भी लिख दो, मतलब कुछ भी, ठीक है जी। इसका इकाई का अंक क्या होगा पहले बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते। नमस्ते, कभी भी आ जाता है वो। आइए, ये पहला पॉइंट हो गया। हमने पढ़ लिया किसके किसका, 0, 1, 5 और 6, ये बात ध्यान रखना। अब दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, अगर 4 के पावर सम संख्या रहेगा, सम मतलब इवन नंबर बोलते हैं, तो इसका इकाई का अंक होगा 6। को कैसे? 4 के पावर 2 तो कितना होता है? 16। मैं पहचान के लिए बता रहा हूं, आप आगे भी जा सकते हो। तो इसके इकाई का अंक क्या होगा? अब 6 होगा, ये इकाई का अंक होता। अब कोई कहेगा 4 के पावर अगर मान के चलो 6 लिख दिया जाए तो कैसे करोगे? देखो 1, 2, 3, 4 पहले देख लो, 6 होनी चाहिए, 6 है। अब देखो 6 ही आएगा, 4 चौका 16 कितना हुआ? 6। खाली इकाई पकड़ो, 6 चौका 24 बोलो कितना? 6, 6 चौका 24, 4, 4 चौका 16, 6। मतलब कभी भी सम संख्या आएगा, सम का पहचान किससे होता है? मतलब 4 के पावर 500, 4 के पावर 500 बताओ 2 से कटता है, इसे सम संख्या कहोगे? तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? मेरी बात समझ आ गई? हमने सीधे रूल पढ़ा, 4 के पावर सम संख्या यानी इवन नंबर, जो संख्या 2 से कट जाए इकाई का अंक क्या होगा? 6। देख लो 4 के पावर में बोलू 8000, ये 2 से कटेगा, इकाई का अंक 6। क्लियर कर लो, हो सकता है ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूज हो। तो यहां पे इकाई का अंक क्या होगा? 6। 4 के पावर विषम संख्या, 4 के पावर विषम संख्या, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक है ना, विषम संख्या यानी ऑड नंबर की बात हो, मेरी बात को आप समझिएगा। तो ऑड नंबर कैसे? तब मान के चलो 4 के पावर 3, ये ऑड है कि नहीं है? तो इकाई का अंक क्या होगा? 4। अब अगर 4 के पावर 301 भी बोल दिया जाए, 2 से तो नहीं कटेगा, तो इकाई का अंक क्या होगा?
बस ये एक कंसेप्ट है। मैं भी रटता नहीं हूं, मैं कैसे पहचान करता हूं, कभी भी करता था अब तो याद हो गया है कि चार के पावर अगर दो है तो तुरंत देख लो 16 छह हो गया, चार के पावर तीन है तो 64, तो यहां पर क्या हो गया, इसी से आगे तक का काम चला लो। अगर 200 है तब भी 2 समझो और 301 है तब भी क्या समझो, 3 समझो, बात वही है, आएगा 4। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा भाई, इसका 6 और इसका क्या होगा, तो ये इकाई का अंक की पढ़ाई है। अब इसको मैं मिटा कर बता देता हूं जो लोग कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज तो होना भी नहीं है। देखिए मेरा कहना यह है कि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 के पावर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या इकाई के अंक की बात करेंगे, इकाई के अंक तो 0 के लिए 0 ही होगा सेम, 1 के लिए क्या होगा 1 होगा, और 5 के लिए 5 होगा, और 6 के लिए क्या होगा सेम होगा। मेरी बात समझो, ये मैंने अभी बताया। दूसरी 4 के पावर सम संख्या मतलब इवन नंबर, जो संख्या 2 से कट जाए तो सम संख्या इवन नंबर तो क्या होगा 6, और 4 के पावर 20 सम ऑड नंबर जो 2 से ना कटे तो क्या होगा, क्लियर हो गया, बोलो भाई। अब उसी तरीका से 9 के पावर जब सम संख्या रहेगा इवन नंबर जो 2 से कट जाए, ठीक है भाई, तो इसका आगे होगा 1, और 9 के पावर विषम संख्या रहेगा ऑड नंबर जो 2 से ना कटे तो कितना होगा 9। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 4 के पावर सम रहेगा तो 6, और विषम रहेगा तो क्या होगा 4, 9 के पावर सम रहेगा तो, और विषम रहेगा तो क्या होगा, यह बात क्लियर, नोट कर लो। दिख रहा है क्या, और घुमा दो, हो गया तो बताओ। अगर 4 के पावर 6 से रहेगा तो इकाई का अंक क्या बोलोगे, 6, क्योंकि सम संख्या समझना है, इवन नंबर 2 से कट जाएगा, और 4 के पावर 403 रहेगा तो इसके इकाई का अंक क्या होगा 4। ये बात ध्यान रखना, ये कंसेप्ट, ठीक है भाई। उसी तरीका से 9 के पावर 2 से रहेगा, इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, सम संख्या है, ये सम संख्या भाई, जो संख्या 2 से कट जाए, और 9 के पावर 507 रहेगा तो बताओ इकाई का अंक क्या होगा 9, यानी ऑड नंबर रहेगा तो 9 और इवन नंबर रहेगा तो 1, ध्यान रखना। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, मस्त। हो गया, मिटा दिया जाए, चलो अब देखो। अब इसके बाद मिलेगा आपको 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8। ललित इंक खत्म है क्या, भरना सब में है, मैं एक से काम चला रहा हूं, बाकी में सब में भरोगे तो बेकार हो जाएगा, कुछ में भरो है। लो ऐसे मार्कर आज मंगाऊंगा, बहुत सारे मार्कर हो गए, लो कहाँ से भरोगे, ब्लैक है,
आ जाओ भाई देखो, तो जैसे बात करते हैं 2 3 7 8, अब इसमें कैसे करेंगे देखो, समझना ये कि 2 3 7 और 8 में जो पावर है, पावर मतलब क्या बोलेंगे, जो इसके ऊपर पावर दिया गया है उस पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना से, जो शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उतनी बार संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी बार बेस बोल सकते हैं आधार, उतनी बार संख्या को या अंक बोलो क्योंकि अकेला है तो अंक भी हो गया, उतनी बार संख्या को गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब को कैसे, 2 के पावर 17 है, भाग कितना से देना है, 4 से भाग दोगे, 4 चौका 16 कितना बचेगा, 2 के पावर 1 का मतलब आंसर हो गया, 3 के पावर मान के चलो कि है 90। अब 4 से भाग देना है, 4 से इसमें भाग दोगे तो 2 बचेगा, 22 चौका 88, 4 से आराम से भाग देना तो 3 के पावर कितना हो गया, कितना हो गया, अगर मान के चलो 7 के पावर कुछ भी लिख लो 45, 4 से भाग दो, 11 चौक 44 1 बचेगा तो ये कितना हो गया, 8 के पावर कुछ भी लिख दो 307 लिख दो। अब आपको 4 से भाग देना है तो बताओ भाग कैसे दोगे, 4 7 28, 2 4 6 24 कितना बचेगा, देख लो 4 7 28, 2 4 6 24 3 बचेगा, 8 के पावर 3। अब देखो 8 × 8 × 8 मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, 8 8 64 का 4 और 4 8 32 कर दो, खाली इकाई अंक लेंगे, खाली यूनिट लेंगे, ठीक है जी, तो इसका कितना आ गया 2, ये बात समझ आ गई, तो ये कोई भी होगा तो इसे कितना से भाग देंगे, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद रूल होगा, अगर अब इसके बाद अगर पावर पावर डिवाइडेड बाई 4 पूरा पूरा 4 से क्या हो गया कट गया, तो उस संख्या को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उस संख्या को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि मैं 2 के पावर दे दूं 4 या 2 के पावर दे दूं 400 या 2 के पावर दे दूं 16 या 2 के पावर दे दूं 28 या 2 के पावर दे दूं 60, बात एक ही है, 4 से पूरा कटेगा, यह भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी, मतलब इस सब का अर्थ ये समझो, तो सीधे सीधे 2 को 4 बार गुना करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 कितना होता है, 16 होता है ना भाई, कितना होगा 16 मतलब इकाई का अंक क्या होगा, समझ में आएगी नहीं बात, जब भी पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो उस संख्या को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उस संख्या को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, क्लियर। मेरा कहने का सेंस है कि जैसे 3 है तो 3 के पावर अगर कहीं 300 लिखा है तो 4 से कटता है 300, बोलो नहीं कह रहे हो, 75 चौके तुम्हारे मौसा होते हैं, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। जैसे हो गया 3 के पावर 200, 3 के पावर 60, 3 के पावर 80, ये देखो 4 से पूरा पूरा कट गया, तो सबका अर्थ है 3 के पावर कितना, अब 3 को 4 बार गुना करोगे तो क्या होगा, बोल, ठीक है ना, 1, हाँ सही कह रहा है, 1 यानी इकाई का 1 माने 3 × 3 81 होगा, तो इकाई का क्या हो गया 1, यही आंसर हो गया, समझ आएगा नहीं आ गया, तो 8 का उसी तरीके से ये नोट कर लो, कुछ लोग 0 समझ जाते या 1 वो गलत सोचते, उनकी सोच गलत है। अंकित का इसी उम्र में कितना अच्छा हर तरीके से मोछ आ गया है ना, सारा एकदम पूरा मतलब सिस्टम एकदम, उम्र कम नहीं होगा बस, एवा पहले कहते थे मुछ बढ़ गया इसका मतलब लड़का 18+ हो गया। सबसे ज्यादा सेविंग कौन कराता है, जिसका दाढ़ी मुछ कम आता है, उधार में हम भी हैं। तो भगवान के पूजा कर दिन भर, और मेरे लिए भी कुछ कह दे भगवान से ना,
इतने बच्चों में पहला ऐसा लड़का ये मिला है कि जब भी ऑफिस में मैं बैठा रहता हूँ ये साथ में रहता है, कह रहा सर पूजा कर लो, जब भी देखेगा पूजा कर लो। इसके चलते हम पूजा करना सीख गए। शाम को जैसे कल दिमाग खराब थी कुछ, पूजा कर लो, तुरंत करता है। मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है, सही करता है। मतलब पहला महीना नहीं तो लोग क्या कहता है, अरे क्या कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं इसको थोड़ा ज्ञान दूंगा, थोड़ा पढ़ भी लो। हो गया भाई, सभी लोग लिख लिए। निपटा दूं? इतना में किसी को डाउट हो तो पहले बात कर लो मेरे से, बताओ। इतने क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया कि डाउट है बताओ। किसी को भी दिक्कत बेहिचक पूछे। हाँ आकाश तू भी पूछ सकता है, तू दूसरे से पूछ रहा है, तुम्हें दिक्कत नहीं है ना, क्लियर पूछ लो। जिसको भी दिक्कत यहां तक पहले जहां तक पढ़ाई क्लियर होनी चाहिए तभी तो आगे बढ़ूंगा। बताओ क्वेश्चन दिखाऊं इसमें का? चलिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होगा जो आते थे पुराने जमाने में, अब थोड़ा सा नया जमाना वाला दिखाऊंगा। जो आया है वही क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, है ना, आप लोग बताना। एक क्वेश्चन है लिखो 694 सिंपल वाला जो मतलब आ रखा है, 694 गुने 538 गुने 787 गुने 523 और इसमें इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक बताना है आपको। दो आएगा, चलो अच्छी बात है, दो आएगा जब कह रहे हो तो मान लेते हैं। 4×8=32 खाली इकाई पकड़ना है ये वाला, और 2×7=14 और चढ़ती आई 12, मतलब क्या होगा 2। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? चलिए सभी लोग क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो आया है 7×105 में इकाई का अंक बताएंगे। 7×105 में इकाई का अंक बताएं। 7 आएगा, अब इसमें क्या करेंगे आप, 4 से भाग देंगे, यही तो है रूल, तो पीछे पढ़ाई दिया हूं। 4×2=8 क्या होगा भाई, यहां पर 2 बचेगा, 4×6=24 क्योंकि 25 हो जाएगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 4 से 105 में भाग दोगे तो 104 तक कटेगा ना, तो 7×1 बचेगा बताओ, तो इसका क्या होगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलिए 5 क्वेश्चन इसमें का दिखा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 3×65 फटाफट लिखिएगा,
और इकाई का अंक का कोई भी क्वेश्चन हो तो एकदम ग्रुप में डालना, मैं पहले बता देता हूँ, कभी भी माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा संभव नहीं है बताना हर, अब तो दिन भर बैच है तो। 7 के पावर 71 इसमें बताना इकाई का अंक, जल्दी उड़ा दो, सारा रूल पढ़ा दिया हूं, तब क्या सोच रही हो भाई, जल्दी जल्दी करो। इंग्लिश में अगर दिक्कत हो तो हिंदी में भी पढ़ लो, जिससे जल्दी हो जाए, कोई जरूरी है इंग्लिश में पढ़ने से नंबर थोड़े ज्यादा आ जाएगा, पढ़ रही इंग्लिश से मैं देख लो, 8972। मजा तो हिंदी में ही आती है, जो फीलिंग हिंदी में आ जाती है इंग्लिश में नहीं आती। चलिए बताऊं, देखो इसमें रूल क्या है, 3 वाला का रूल है 4 से भाग देने का, ये तो 16 चौका 64 डायरेक्ट, तो 3 के पावर 1 होगा गुणे इसका तो सेम हो जाएगा, और इसका कितना होगा, ये 3 कहां से, इसको 7 के पावर 3 होगा, अरे 4 से भाग दोगे 17 चौका 68, ठीक है ना, 68 3 हो गया। अब देखेंगे ये हो गया 3, ये 6 और ये 3 मिल गया कहां से सर जी, तो 7 के पावर 3 343 होता है, होता है कि नहीं होता है भाई, ये देख लो 3 6 18 तो 8 हो गया, और 8 3 का मतलब समझ लो भाई, कैसे बस में बैठी हो, ये देख के हंस रही है, कोई नहीं दोस्ती कर लो, सेम हो गया भाई, चले आगे। लो जल्दी बता दो, बताओ भाई, नो कैसे भाई, ये 7 से मतलब रहेगा 7 के पावर, ये 4 से भाग देंगे क्योंकि 2 3 7 8 वाला में 4 से भाग देना, 13 चौका 52 दो बचेगा क्योंकि 4 से कटने का रूल है, लास्ट के 2 अंक भी यूज करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, बाकी तीनों को भी यूज कर सकते हो, और 8 से कटने का रूल है, लास्ट के 3 अंक, 16 से कटने का रूल है, लास्ट के 4 अंक, तो 13 चौका 52 दो बचेगा, 2 मतलब 7 के पावर 2 कितना होता है 49, मतलब इसके आंसर क्या होगा, समझा गया कि नहीं आ गया, 4 से भाग देंगे 13 चौका 52 दो बचेगा, ठीक है, आ गया समझ में, नहीं आया, क्यों नहीं आया है, रात में जग के पढ़ रहा था कि कहीं और पढ़ाई कर रहा था, रजिस्टर में देख के बताओ 2 3 7 8 के क्या रूल लिखवाया हूं, नहीं तो मैं तार निकाल के वहां पहुंचूंगा, 2 3 7 8 वाला का रूल क्या बताया हूं, बोल नहीं लिखा है, क्यों लेट से आया था, लेट से आया कि लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं, क्या करा है,
टारगेट बना रखे हैं, काल इसकी हुई है झंझट, इसलिए दिमाग बदल गया। अब सामने फोकस ठीक है ना, बढ़िया, चल आ जाओ भाई। तो मैं क्या बता रहा था, इसको समझ में नहीं आया समझाता हूं। इतना इजी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कुछ ना कुछ तो बात है। देख, सात के पावर कितना है, 54। तो हमने पढ़ा था 2 3 7 8। मैं चाह रहा हूं सभ्य बन के पढ़ाकर नौकरी लगवा दूंगा। ये चाह रहे टारगेट पूरा करने के लिए, 2 3 7 और 8 हो तो इसके पावर कुछ भी हो तो डिवाइड कितना से करना है, 4 से, ध्यान रखना। अब ये इसी में से आ गया 7, तो इसमें 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देंगे, 13 चौक का कितना हो गया 52, तो यहां पर कितना बचेगा 2, तो 7 के पावर 2 मतलब 7 × 7 यानी 49, इकाई का कितना होगा 9, ये ध्यान रखेंगे, ऐसे करना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करके दिखा दो लास्ट, तो बेसिक में क्लियर हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा। 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58, इकाई का अंक बताना है। देखो भाई, नहीं बना होगा, गलती हो गई होगी, कुछ लोग बनाए सकते हैं। देखो इधर ध्यान से, इसमें देखो दिक्कत क्या है। सबसे पहले हमने रूल पढ़ा है 4 से भाग देने का, ध्यान से देखना। तो 4 से भाग दोगे 95 में तो 23 चौका 92 होता है, 3 बचेगा बताओ। अब 3 बचेगा तो 7 के पावर 3 हो जाएगा, तो 7 के पावर 3 कितना होगा बताओ। यहां पर पहले बताओ 7 के पावर 3, और यहां देखो यहां भी 2 3 7 8 वाला में सब में 4 से वाला रूल है, तो 4 से कितना हो जाएगा 14 चौका 56, यही तो होगा भाई। बोलो तो यहां पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 के पावर 2 हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 7 के पावर 3 343, तो इसका 3 लिख लो, और 3 के पावर 2 9, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये माइनस में हो जाता है, तो इकाई का अंक माइनस में नहीं होता है, एक दहाई बना लो, कुछ भी रख लो, सेम आंसर आएगा। मतलब इसके बाद यहां कुछ भी लिख लो, बताओ क्या लिखना चाहते हो। एक, इन्होंने कहा एक ले लो, तो 13 में से 9 हो गया कितना हुआ, अगर यहां पर 2 ले लोगे तो 23 में से 9 हो गया 14, इकाई का अंक ना बदले। तुम कहोगे सर हम लेंगे 53 जानकर, तो 53 में से 9 हो गया 44, कितना होगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी, इस बात को समझिएगा। तो माइनस में कभी वैल्यू नहीं होती, तो 7 नहीं आएगा, ठीक है ना, ये बात को ध्यान के भाई। और 6 भी नहीं आएगा, इसका क्या होगा 4 होगा, यानी यहां पर दहाई कुछ भी करके बनाना पड़ेगा, माइनस में इकाई का अंक नहीं होता। समझ आएगी नहीं आ गया, इसका आंसर होगा 4, हो गया। तो ये था बेसिक, और इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको जोर घटाव आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे मान के चलो कहीं आ गया गलती से, अब तो थोड़ा सा बदल के आता है, लेकिन आ गया 2 के पावर 37, 5 के पावर 38, 9 के पावर 72, 7 के पावर 71, कुछ भी आएगा तो कर लोगे, या प्लस भी आएगा तो कर लोगे, सीधी सीधी बात। चलो मैं मजाक में लिख दे तो कैसे करेंगे, देखो हमने इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा बताओ, 4 × 9 = 36 बोलते चलना, ये 5 का क्या लिखना है, और 9 के पावर सम संख्या रहेगा तो बोलो 1 बताए थे, और विषम संख्या रहेगा तो चलो 7। यहां देखो यहां पर 3 होगा, कहोगे सर जी कैसे, जो समझने वाला समझ गया, 4 से भाग दो, 17 चौक 68 होता है, यही होता है ना भाई, बचा 3, 3 का मतलब 7 के पावर 3 3 से 43, वैसे कर लोगे, और फिर एक गुणा कर लोगे 3 5 15 जो भी, और कहीं भी जहां भी 5 आ गया बीच में, कहीं भी क्या आ गया 5, तो 0 तो बनना ही है, क्योंकि सम संख्या रहेगा तो, माने सम संख्या रहेगा तो नहीं रहेगा तो कोई, ठीक है जी, ये बात तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ये बेसिक था, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, बताओ बोलो। तो ये चीजें याद रखें, अब दिखाते कि पेपर में आपको कहां से दिक्कत हो सकती है, उसको भी ठीक करेंगे।
मिटा दूं? देखिए, एक वर्ड है फैक्टोरियल, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। जैसे हम लोग को पता है फैक्टोरियल वन का मान वन होता है। क्या कर रहा है रे, किसको देख रहा है? मेरी बात मान लेगा ना तो जीवन में बन जाएगा जो नहीं बनना चाहता है, जो तेरे को पता नहीं है, और नहीं मानेगा तो वही बनेगा जो उससे भी समझ ले, ठीक है? इसलिए बन जा, सही रहेगा ना। नौकरी होने के बाद वो क्या कहता है आदित्य ने, हम तो 1 रुपया ना देने का तुम्हें, तो उससे कोई मतलब है, हमें नहीं चाहिए, है ना। लेकिन सिलेक्शन ले लो, है ना। सोच मत, सोच क्या रहा है इधर देख। कल तू भी था बजरी वाला। देखो इधर, तो 5 गुने कितना 24, कितना होगा 120, और 6 का 6 गुने 120 कितना होगा 720। देख लो जो भी लिखा हूं पहले उसको देखो। मेरा कहने का सेंस क्या है कि आपको फैक्टोरियल की साइन ऐसे भी होता और ऐसे भी होता है, मेरी बात कब समझना। इसी में आके फंसा सकते हैं, और कोई उनके पास जुगाड़ नहीं है फंसाने का, तो उनको हम फंसाने से निकालेंगे। कैसे देखिए, जैसे लाइन से लिख दूं, चलो लाइन से क्या 2 से स्टार्ट करते हैं ना। फैक्टोरियल में बोलना है कुछ भी, 2 के पावर कुछ भी बोलो, फैक्टोरियल में कुछ भी संख्या बोलो, कितना भी बड़ा कुछ भी, जल्दी कोई भी बोलो आवाज दो, 8। तो ये हो गया 8, ठीक है ना, ऐसे रहेगा, ठीक है जी। कहीं कहीं ऐसे होता है, देखो तो कुछ लोग कंप्यूटर में 81 पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आता नहीं है तो बहुत कुछ दिखता है, ठीक है ना। हमारा खराब है तो दूसरे का भी खराब है, हमारे पास पैसा नहीं है तो सारे गरीबी को ध्यान देंगे, ठीक है जी। जो फॉर्चूनर पर चल रहा है वो सब लूट के ही चल रहा है, लोगों की सोच है, हमारी नहीं है, हम तो ठीक है, है ना। हाँ, 5 स्टार में वो जाते हैं जो 2 नंबर कमाते हैं, माने 1 नंबर वाले नहीं जाएंगे, वो सोचते हैं जो दिन भर क्या करते हैं, नाक में उंगली लगाते। देखना, अब मेरी कहने का सेंस है कि यहां पर इन्होंने बोला 8 फैक्टोरियल, तो ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहली बात ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब कहीं भी आएगा ये ध्यान रखना, इसको छोड़ दो, इधर आ जाओ थोड़ा सा। आखिर एक तो होगा नहीं, एक होगा तो ऐसे भी 1 का मान 1 है, तो कोई भी फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी तो सम संख्या होगी, पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्या होगी, एक तो ये क्लियर हो गया। और फैक्टोरियल की वैल्यू ये थोड़ा 8 है 8 तो का तो होगा 4 से कट जाएगा, कोई बात नहीं, इसके अलावा हम कुछ भी लिखेंगे, माने फैक्टोरियल, चलो पहले 8 पर ही बात करते, ठीक है ना। तो कोई भी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी तो 4 से कट जाएगी, किससे कट जाएगी, मेरी बात को समझना एक एक स्टेप को। तो हमने पढ़ा है यहां से आगे सब 4 से कट जाता भाई, बोलो। अरे भाई इतना पीछे नीचे कराएगा तब तो कर ही लोगे, इसमें तो क्या है कहने का मतलब, फैक्टोरियल के वैल्यू किससे कट जाता है, 4 से कट जाता है। तो फैक्टोरियल यहां पर लिख दो, फैक्टोरियल कुछ भी फैक्टोरियल, ठीक है ना, 2 के पावर कुछ भी फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल कुछ भी पढ़ो, ऐसा पढ़ना चाहिए, फैक्टोरियल कुछ भी के बाद फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल के अंदर कुछ भी, ठीक है ना। जैसे 5 और रूट नहीं पढ़ता, रूट अंदर 5 पढ़ने का रूल होता है, क्योंकि जेल में इसके ये है, ठीक है जी, ये बात ध्यान में, कुछ भी पढ़ो। तो 2 के पावर यहां पर बोले फैक्टोरियल कुछ भी, तो कुछ भी रहेगा तो सबसे पहले हम लोग का रूल क्या है, 2 3 7 8 वाला में रूल है कि पावर को 4 से भाग देते हैं, अगर पूरा पूरा कट जाए तो 4 बार गुणा कर देंगे, और ना कटे तो उतना बार उस संख्या को गुणा कर देंगे। तो आपको उम्मीद है कि इसके अलावा कुछ भी का मतलब होता है इससे आगे, मतलब इससे आगे तो छोटा है ज्यादा, कुछ भी होगा 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इस बात को मानते हो। तो इसका इकाई का अंक सीधे सीधे क्या बोलोगे, ये बात कुछ लोग समझे कि नहीं समझे। मेरे कहने का सेंस है कि तुम्हें फैक्टोरियल के अंदर तुम सोचोगे कि क्या लिख दिया जाए, तो चलो मैं लिख कर दिखाता हूं ऐसा चीज, थोड़ा सा बड़ा, 7 फैक्टोरियल, ठीक है जी, मेरे बात को समझना। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब होगा 7 × 6 × 5 × ऐसे ही होगा ना, 4 3 2 1, मेरी बात को समझना। जब करोगे तो इसका आंसर आएगा 5040, कितना आएगा 5040, करके चेक कर लो, पहले सही लिखा हूं, 2 3 6 4 24 5 120, ना आए वहां चुप हो जाना, ठीक है ना, बेइज्जती हो जाती है ना, पागल पकलेंड। देखो 120 6 कितना होता है 720, गलती करोगे तभी तो सीखोगे, 720 में 7 से गुना करो तो 5040, जब मैंने बोला तो वही आएगा,
भाई एक पल बताओ कि अगर हमसे ही मिस्टेक हो गया तो क्या हो गया, खा जाएंगे कोई, फोन चल रहा तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, फोन क्या करे, कुछ नहीं। देखो इधर, तो यहाँ पर डर किस बात की, ठीक है, हम अपना पढ़ा रहे हैं, किसी को बुला थोड़े रहे यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना होगा, 5040, मेरी बात को आप समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो 5040 चेक करके देखो, हमने तो चेक कर लिया, इतने साल चेक करते करते हो गया, तो 4 से भाग 2 पक्का कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बात को मानते हो कि नहीं? अरे भाई 4 से देख लो कटेगा। तो मेरा कहना ये है कि यहां पर फैक्टोरियल कुछ भी होगा तो 4 बार क्या कर दो, गुणा कर दो। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आपको समझना है, अभी खाली 2, 3, 7 और 8 की बात चल रही है, इसके पावर फैक्टोरियल में कुछ भी होगा तो समझना कि वो संख्या सम संख्या होगी, वो संख्या क्या होगी, और वो संख्या 4 से कट जाएगी। और जब 4 से कट जाएगी तो उसका रूल बताओ क्या लिखे, उसका रूल क्या लिखे, 4 बार उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देना। यही तो मेरे कहने का सेंस ये है मेरे भाई कि फैक्टोरियल में कुछ भी हो, फैक्टोरियल में कुछ भी हो, ये सब की पावर तो समझो कि वो संख्या जो 4 से कट रही है। मेरी बात पकड़ में आया कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात पकड़ में आया? अगर कोई कह दे सर जी 2 के पावर 7 फैक्टोरियल, 7, खाली 2 के पावर कितना, तो 4 से भाग 2 के 4 एकम कितना बचेगा, 3, 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया, यहां तक क्लियर हो गया? आप कहोगे सर जी 2 के पावर फैक्टोरियल 7, तो कहोगे कि सर ये लिखा है कि 2 के पावर 4 से कटने वाली, 4 से कटने वाली, और जब 4 से कटने वाली की बात, 4n लिखना चाहिए, तो इससे 4 से कटने वाली का मतलब हो गया कि 2 को 4 बार जब गुणा करोगे तो 16, यानी क्या हो जाएगा, क्या आएगा? मेरी बात समझ में आएगी नहीं? मेरा कहना यह है कि जैसे यहां से 7 उठाओ, पकड़ना, 7 उठाओ और 7 के पावर हम लिख दे 24, तो 4 से कटने वाली हो गया डायरेक्ट। अब लिख दो 25, तो नहीं कटने वाली है, लेकिन हम डाल दिए किस में, फैक्टोरियल में। अब बताओ क्या लिखा है, 4 से कटने वाली, इसका अर्थ क्या है, 4 से कटने वाली, तो इस 7 को 4 बार क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। मेरी बात समझ आएगी नहीं? तो 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो ये 4 बार, तो हमें तो याद है हुआ 24 से 1, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको 7 7 49 9 9 7 3 3 3 7 1 किस आएगा क्या, 1। मेरी बात समझ आएगी नहीं? जैसे 8 के पावर हमने बोल दिया, आप बोल दो 30, ये 4 से तो नहीं कटेगा, 4 7 28 2 बचेगा, 8 के पावर 2 मतलब 64 जो भी होगा, लेकिन लगा दो, अब समझो क्या लिखा है, 4 से कटने वाली, यानी 8 को 4 बार क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मेरी बात समझ में थोड़ी सी आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो ये गुणा करोगे तब भी आ जाएगा भाई, ठीक है जी। और ऐसे करो 8 8 64 के कितना, 4 4 8 32 का, 2 8 16 का। मेरी बात समझ में आई तो बताओ, ये एक कंसेप्ट है, यहां से फंसा। देखो पेपर में जो आया है 2 के पावर 17 फैक्टोरियल, तो बच्चों ने कंप्यूटर उतना उस सटा के लिखा रहता ना, उस 1 से 71 और समझने वाला था, कुछ भी समझ ले। तो मेरे कहना ये है कि 2 के पावर 17 फैक्टोरियल कहते आप बोलोगे 6, क्या बोलोगे, 6, माने ऐसी संख्या है जो किससे कट रही है, बोलो 4 से कट रही। बात अब कोई कहेगा हर बातों में तुमने 4 का यूज क्यों करा, तो इसका रूल है कि अगर 2 3 7 8 की बात हो तो कितना से 4 से भाग देना है, किससे भाग देना है, 4 से। बताओ पहले क्लियर हुआ तो आगे बढ़े, क्लियर हो गया, ठीक है। इतना देर से कहा है, इसीलिए कहता हूं क्लास में फोन मत उठा, 12 बजे का टाइमिंग देगा तो क्या होगा, ठीक है जी। तुझे बहुत रहता है मंदिर में, बात कुछ और ही करो। देखो इधर देखो, मेरा कहना ये है मेरे भाई, देखो मजबूरी में क्या करो, भाई ऐसे ही बनाई जाती है। देखो यहां से देखो 1 2 3 4 है ना, तो ये देखो आप आ जाओ 4 से, ठीक है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे भाषा के तुम हो नहीं, लेकिन प्रेम है। देखो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, यस सर, पहले खोल हाथ, इधर देख, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये भी देखो 4 से, 18 6 72 कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, इससे बाद में हमने बोला था कुछ 5040 इसका बोला था, ये भी देखो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसके आगे हाथ से चलाने की औकात नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरीके का जो भी होगा 4 से कट जाएगा, तो यहां पर क्या है 17 फैक्टोरियल 17, तो ऐसी संख्या जो 4 से कट जाएगी, जब 2 3 7 8 की पावर 4 से कट जाती है तो उस संख्या को 4 बार क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो 2 को खाली, हाँ इज्जत कर रहे हो, देखो ये 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 होगा, इकाई का अंक क्या होगा, अब बताओ समझ में आएगी नहीं, बोलो आ गया पक्का, ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा, उसका अर्थ समझते हो क्या होता है, नहीं समझते हो, समझोगे भी नहीं जीवन में, ठीक है जी। ये हो गया क्लियर, मेरे कहने का सेंस है मेरे भाई, 7 के पावर अगर मैं बोल दूं 35, बोलो तो हम लोग क्या करेंगे, 4 8 32 कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 7 के पावर 3 343 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन ये लगा दिया,
तो बोलो, तो इसका मतलब सात को चार बार गुना करना, सात को चार बार गुना करना। अब बताओ, अब क्या फार्दू कलेजा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कालिया हो गया, मिटा दिया जाए। ये इसको मैंने आगे बैठा दिया तो ये मेरे को देखे जा रहा है, नहीं इधर ले। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये ऐसा लड़का है ना, मैं इसको मैंने देखा पता नहीं कहाँ ही बोल रहा था, हाँ लाल कुआ कोचिंग में। ये सर यहाँ एकदम शांत स्वभाव, कितना एकदम शांत, अकेला मिल जाए ना ऐसी इसकी आवाज। मैं लाल कुआ में देखा था, मैं पीछे खड़ा था, क्या कह रहा है भाई, इधर सब चलती चलती है, ये ऐसी आवाज है इनकी, देख लो एक ही है हिसाब में, लेकिन फिर भी हो गया भाई, क्लियर हो गया। चलिएगा तो हम लोग पढ़ लिए किसका, दो तीन सात और इसका रूल क्लियर हो गया। अब जीरो एक पांच और छह के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके पावर कुछ भी होगा तो जीरो का जीरो, वन का वन, पांच का पांच, छह का छह। बात तो क्लियर हो गया, पहले बताओ क्लियर हो गया नहीं हो गया। आइए अब बचा कौन सा, चार और नौ, चार के पावर कुछ भी होगा फैक्टोरियल में, मेरी बात को सुनना ठीक है जी, वो इवन ही होगा क्योंकि सब क्या रहा है, इवन में आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, बोलो। तो इसका मतलब चार के पावर अगर फैक्टोरियल में कुछ है, फैक्टोरियल ये बात धरना, फैक्टोरियल में कुछ भी हो यहां पर ध्यान रखना, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, छह। पहले बताओ क्लियर होगा कि नहीं, क्योंकि विषम संख्या आ ही नहीं रहा भाई, समझ में आगुआ। देखो अब यहां पर देखेंगे नौ के पावर कुछ भी होगा फैक्टोरियल में, तो अरे सुनो फैक्टोरियल का मतलब सीधे सीधे क्या है, इवन नंबर है, बोलो बोलो, तो फैक्टोरियल का मतलब इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो इसका क्या आएगा, एक आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अब बताओ यहां तक क्लियर हो गया आपको, कैसे नौ के पावर पैंतीस, ये पैंतीस तो विषम संख्या है लेकिन आपने बोला फैक्टोरियल में, चाहे ऐसे बोल दिया ठीक है जी, तो समझो कि इसका वैल्यू जो भी आएगा वो इवन नंबर आएगा, क्या होगा, इवन नंबर। और नौ के पावर जब इवन होगा तो इकाई का अंक क्या होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चार के पावर फैक्टोरियल में कुछ भी आ गया, जैसे आ गया सैंतीस, तो सैंतीस तो विषम संख्या है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, लेकिन फैक्टोरियल आते क्या समझना है, सम संख्या है तो सम मतलब क्या होगा, छह। बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए ठीक है जी। अब देखो कोई बात नहीं, क्लियर हुआ या नहीं हुआ उसकी कोई बात नहीं है, हमने तो पढ़ा दिया। देखो इधर सबसे पहले अब अपने पॉइंट से क्लियर करो, यहां से फैक्टोरियल में किसी के पावर कोई भी बोलो और क्लियर कर लो अपना, बोलो जल्दी फटाफट, कहां जाना, बाथरूम अच्छा पूरी क्लास इसको पानी पिलाने के लिए एकदम। मुझे एक बात बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, किसी संख्या के पावर कुछ भी बोलो, हाँ बहत्तर के पावर उनचास, बस इतना ही। देखिएगा हमने बताया था इकाई का अंक किसे, दो, और दो के पावर हम लोग क्या समझ रहे हैं, उनचास, दो के पावर क्या समझ रहे हैं, उनचास। तो हमने पढ़ा है दो तीन सात आठ के पावर कुछ भी हो तो चार से भाग देना भाई, तो बारह चौक अड़तालीस, बारह चौक क्या होगा, अड़तालीस, क्या बचेगा बताओ, एक। तो दो के पावर एक का मतलब क्या हो गया, क्लियर हुआ, कुछ भी बोल दो, जिसका कंफ्यूजन है आप कुछ भी बोल सकते हो, जल्दी फटाफट फैक्टोरियल बिना फैक्टोरियल में कुछ भी बोलो, जिसका भी डाउट हो क्लियर करो। बोलो जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, किसी का डाउट हो, नहीं है क्लियर हो गया बताओ, बोलो। इकाई का अंक में जितना पढ़ाई इसमें कुछ भी माइंड में चल रहा हो, बोलो क्या कर रहे हो, पेज पलट रहे हो, नहीं पलटने नहीं, पूछ लो कि मैं पूछूं, पूछो जो भी जितना पढ़ाई इसमें, जैसे कोई भी क्वेश्चन जितना बोला था किसी बने, इकाई का अंक क्लियर कर लो अभी ठीक है जी। माइंड में कुछ भी आ रहा इकाई का अंक से रिलेटेड तो आप पूछ लो, जो भी माइंड में आ रहा पूछ लेना चाहिए, अपने अपने बारे में सोचो, पूरे क्लास के बारे में नहीं सोचना है ना। बोलो
हाँ 375 ओके आगे कुछ 200। तो ये इकाई का अंक क्या है? 5 के पावर कुछ भी हो तो तुमने मेरी बात को रोका है और कुछ नहीं मौका है। अच्छा मैं समझ रहा हूं ये जबरदस्ती पूछ रहा है। अच्छा 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 नहीं मैं समझा तेरे डाउट हो तो पूछो। अच्छा ये हमारी बात को इज्जत बचाए रे भगवान। कोई नहीं खुदा पूछो कोई भी पॉइंट माने कोई सी के पावर कुछ भी करके अपना क्लियर करो। क्लास में शर्माना नहीं है अपने लाइफ के बारे में और भविष्य में अपने वाइफ के बारे में। इसके अलावा दूसरे के लाइफ और दूसरे के वाइफ में नहीं पढ़ते। तो जो भी डाउट हो किसी के पावर कुछ भी करके अपना क्लियर करो। हंसना मना है कुछ समय के लिए। पूछो पूछो भाई 76 के पावर 49। जब किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 कोई बात नहीं 0, 1, 5 और 6 हो किसी भी संख्या के लास्ट में तो उसके पावर कुछ भी हो तो बदलता नहीं है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा भाई? देख लो अपना अपना क्लियर करो। अभी बात समझ में नहीं आती जब अकेले में बैठते क्वेश्चन करते तब अपनी क्वेश्चन खुद क्लियर करो। हमें क्लास से क्या मतलब? तुम सोचो कि हम अकेले बैठे ठीक है जी मैं अकेले पढ़ा रहा हूं ठीक है ज्यादा लोगों के बारे में मत सोचो। पूछो जल्दी फटाफट पूछो फटाफट। दिक्कतें तो बहुत लोगों के साथ होती है लेकिन क्लियर कुछ कम ही लोग करता है सारे लोग नहीं करते। कुछ लोग चाहते हैं इज्जत चला जाएगा है कहां। पूछो जल्दी पूछ लो पूछ नहीं पूछेगा तो फिर तेरे से मैं पूछूंगा। पूछू देखना इजी सा पूछूंगा बताना। 2 के पावर 20 इकाई का अंक बताना। 2 के पावर 20 में मैंने बताया था कि जो पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो 2 को 4 बार गुणा कर देना। बताओ तो या तो क्लियर करना चाहिए ना। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? क्लियर कर लो भाई किसी का माइंड में आ रहा हो वही इकाई का अंक संबंधित पूछ लो। क्लियर हो गया? 9 की पावर 72 मान लो। कोई नहीं जो ये कहेंगे वो मैं सुनूंगा। हाँ रुक जा रुक जा तुम कुछ भी कहो मैं खड़ा हूं। 9 के पावर 72 गुणे 3 के पावर 12 फैक्टोरियल लगा दे। ये भी लगा दिए ये भी लगा दिए ठीक है ना। देखो इधर कैसे करेंगे ये सबसे पहले हमने पढ़ा है कि फैक्टोरियल में कोई संख्या होगी तो सम संख्या होगी। तो 9 के पावर जो सम संख्या है तो बता इकाई का अंक क्या बताते भाई? क्लियर हो गया? ये देखिए और यहां पर फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 से कटने वाली संख्या क्योंकि 3 के पावर है 2, 3, 7, 8 में 4 वाला रूल लगाए हैं। तो यहां पर मेरे देखने से यहां भी 1 होगा क्योंकि 3 को 4 बार गुना करोगे 81 आएगा 1 एकम। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर कर लो अपना अपना। ये देखो ये है इजी लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इजी है ना। हाँ तो बस इसलिए पूछना है शर्माना ने। हाँ मैं ये लड़की से पूछ रहा था नेहा नेहा ना मैं ना बताना है क्वेश्चन। डर तुम नहीं रही हो? नहीं क्योंकि पहले ही आधा चेंज हो गया। देखो इधर जैसे क्वेश्चन है 7 के पावर 123 और इकाई का अंक बताना है। सात को चार में मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 7 को 4 बार इंटू करेंगे। क्यों करेंगे आप बताइए मेरे को। सबसे पहले आपने पावर को क्या किया बताओ आराम से मैं वैसे ही हूं जैसे तुम देख रही हो बोलो। 4 से जब भाग करेंगी तो आप बताइए इसमें कहां तक कटेगा। 120 तक कटेगा ना बोलिए। 3 बचेगा ना तो 7 के पावर 3 कितना होगा 343 यानी 3 होगा ना भाई। इसीलिए कह रहा पूछना चाहिए क्लियर करना चाहिए। बाप रे बाप देखो ये लड़की देखो ये चार ये पढ़ाई बंद करो चलो छुट्टी कर दो। तो उससे कोई बात नहीं 0 बस हाँ
तू पढ़ाई खत्म करने क्यों चली? सर अगर बाइक से तेजी से जा रहे, बाइक फैल गई तो तुम भी फैल जाओगे। ये जीरो वाला सोची, ये ऐसी सोच रही है कि जो कोई ना सोचे। बहुत बढ़िया, भविष्य में चांद पर पक्का जाओगी। चलिए और बता दो भाई, भाई बोल लो, क्लियर करो जल्दी फटाफट। आदित्य पूछ लो, तुषार पूछो भाई, आ गया, बोलो भाई पीछे है? क्लियर है? बताना 7 के पावर 35 कैसे करेंगे? वाह, तो आंसर 3 पक्का? ठीक है, तो 3 आंसर है, हो गया। चलो अब बताना क्या करना है, बस यही बता दो। एक आएगा, सही बता रहा है। अच्छा जी बताओ भाई, इसका इकाई का अंक क्या होगा? सुन लिया कहीं से? कैसे बताया? जीरो आंसर तो ठीक है, लेकिन कैसे बताया? अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, चलो मजबूरी है, मेरे को कुछ नहीं कह सकता। देखो तो यहां पर क्या, क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ गया कहने का, इसलिए छोड़ देता हूं। मौसा इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48 कितना बचेगा? 2। 7 के पावर 2 49 का मतलब क्या होगा? 9। ठीक है भाई,